साध्वी रेप मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसे रोहतक जिले के सुनरिया में एक जेल में रखा गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेल में भी डेरा प्रमुख को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अन्य कैदियों से अलग एक खास बंदोबस्त वाले सेल में रखा गया है, जहाँ उसके लिए एसी और मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को राम रहीम के लिए बाहर से खाना भी मंगवाया गया था और शनिवार सुबह भी राम रहीम की बेटी नाश्ता लेकर जेल पहुंची थी। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम को जेल में एक असिस्टेंट भी मुहैया कराया गया है, जो उसकी जरूरतों का खास ध्यान रख रहा है। इसके अलावा वह जेल में अपने कपड़े भी पहन सकता है, जबकि अन्य कैदियों को जेल से मिले कपड़े ही पहनने होते हैं। हालांकि डीजीपी ने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि राम रहीम को किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा और उसके साथ भी दूसरे कैदियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि सुरक्षा और हालातों के मद्देनजर सोमवार को फैसला सुनाए जाते वक्त डेरा प्रमुख को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल होगा। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को रेप केस मामले में पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया है। 15 साल पुराने केस में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिस पर 28 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।